को फाइनली वीट कर दिया है डंकी ने सलार को। जी हाँ दोस्तों, कल के जो कलेक्शन है भाई ऐसे ही बता रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों कल डे 8 था डंकी का और डे 7 था सलार मूवी का। डे 6 में सलार ने 500 करोड़ का पोस्टर लॉन्च कर दिया है, आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, ट्रेड के हिसाब से 500 करोड़ नहीं हुए थे कल तक, क्योंकि ट्रेड की माने तो लगभग कल सलार मूवी का कलेक्शन 455 करोड़ के करीब था। ठीक है, तो अगर हम मेकर्स की माने तो 500 करोड़ हो चुका है। तो आज है डे 9 डंकी का। डे 9 में आज कितना कमाने वाली है, अर्ली एस्टिमेट कितना आने वाला है, उसी पे बात करने वाले हैं। और जी हाँ दोस्तों, कल डंकी ने बीट कर दिया है सलार को। मगर आप यकीन करोगे, एक ओरिजिनल तेलुगु मूवी है ये। ठीक है, और वहीं से जो नंबर आ रहे हैं, कल के जो नंबर आ रहे हैं डे 7 के सलार मूवी के, भाई शॉकिंग एकदम से। आप कहोगे ये क्या हो रहा है भाई, मतलब ये कैसे कलेक्शन, 3 करोड़ कमाए हैं लगभग, 3 करोड़ लग समथिंग कुछ है, 3 करोड़ कमाए हैं तेलुगु से कल। और 7.20 लगभग 7 करोड़ 20 लाख के करीब इसने हिंदी में कमाए, और 7 और 3 10। ठीक है, और बाकी जो अदर टेरिटरी है जैसे केरला हो गया, कन्नड़ा हो गया, अदर टेरिटरी से लगभग 2.5 करोड़ आए। कल का जो कलेक्शन आ रहा है भाई, यकीन करोगे आप, 12.30 मतलब 12 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन आया है कल सब मिला के। अगर हम ओवरसीज की माने तो भाई ओवरसीज के तो शॉकिंग हो रहे हैं एकदम से, एकदम शॉकिंग। ओवरसीज में इस मूवी ने कल 3 करोड़ का बिजनेस किया है। 12.5 और 3 कितना हो गया, 15.5 करोड़। कल इसका 15.5 करोड़ कमाया इसने डे 7 तक, ओवरसीज मिला रहा हूँ मैं भाई, तो 15 करोड़ कमाए। और वहीं डंकी ने इंडिया में 9 करोड़ कमाए कल, 9 करोड़ आ गए उधर से। ठीक है, और ओवरसीज में भाई 8 करोड़ का बिजनेस किया है इसने। मैं भाई ग्रोथ नहीं जोड़ रहा, कुछ नहीं जोड़ रहा, आप लगा लो जो लगाना है। मैं यही बता रहा हूँ आपको, जो नंबर है भाई कैसे दिख रहे हैं आपको, ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको। मतलब 9 करोड़ डे 8 में कमाया है इसने डंकी ने हिंदी से। ठीक है, और 8 करोड़ ओवरसीज से। अगर हम अगर इसका हिंदी का बात करें, 9 करोड़ का ग्रोथ तो भाई लगभग 11 करोड़ बनता है, 11.5 करोड़। मगर हम ग्रोथ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ नेट की बात कर रहे हैं हम। 9 करोड़ नेट हो गया हिंदी का और 8 करोड़ ओवरसीज से। 8 और 9 कितना हो गया, 17 करोड़, जस्ट 17 करोड़ में बता रहा हूँ। अगर हम वैसे बताएंगे तो ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, तो भाई वहाँ पे 15 करोड़, वहाँ पे 17 करोड़, मतलब बीट कर दिया इसने। और कलेक्शन ये इसके ज़्यादा है भाई, वर्ल्ड वाइड इसका हो गया है अभी तक। कल 305 करोड़ था, ठीक है, 305 करोड़ का था सिर्फ 7 दिन का। और आज जो कलेक्शन आया है, मैं आपको बता दिया था कि भाई ये कहीं ना कहीं 323 करोड़ या 24 करोड़ का कलेक्शन आने वाला है। ठीक है, कल मगर जो मेकर्स की तरफ से पोस्टर आया भाई, 323 करोड़ समथिंग कुछ लाख है। ठीक है, 323 करोड़ इस मूवी ने कमा लिए, लगभग 305 थे। ठीक है, 305 पहले थे और अब माइनस में कर दो आप कितने आ गए। तो भाई कल डंकी ने एकदम डंका बजा दिया ओवरसीज में, क्योंकि पहले से बजा रही है। मगर जो सोच रहे थे ना हम कि ये मूवी भाई अब गिरेगी, मगर नहीं भाई, अच्छा होल्ड पकड़ा है इस मूवी ने, अच्छा होल्ड पकड़ा है, एकदम से बढ़िया चल रही है। और वहीं सलार ने भाई जो सोचना था, लोग ने सोच लिया है कि जो फेक कलेक्शन है वो ये ऐसे कलेक्शन है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि इसके जो फेक कलेक्शन है। ट्रेड की माने तो अभी तक डे 7 तक वर्ल्ड वाइड ग्रोथ हो गया है इसका 470 करोड़, 470 करोड़ हो गया इसका पूरा वर्ल्ड वाइड। मगर अभी उनके मेकर्स की माने तो 15 ये हो गया उनका, कहीं ना कहीं 515 करोड़ के बीच में अभी भी है। ठीक है, मगर उनका कोई पोस्टर नहीं आया अभी। तो आप ये देखो कि जो लोग बोल रहे थे कि डंकी भाई ऐसी चल रही है वैसी चल रही है, तो भाई एकदम से स्टडी है, एकदम से पूरा एकदम से स्टेबल मूवी काम कर रही है। तो देखो यार, कुछ लोग हिंदी में है ना, बड़े बड़े जिस मूवी ने, शाहरुख खान की मूवी ने कमा के दिए भर भर के,
उन्हीं लोगों ने डंकी को स्क्रीन नहीं दिए। आप इशारा समझ जाओ मेरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डंकी को शाहरुख खान ने इसी 2023 में सबसे ज़्यादा जो थिएटर ऑनर है उनकी कमाई कराई है, ठीक है। मगर उनकी जब क्लैश की बात आई तो जो बंदा नॉर्थ का ही था वही पीछे हट गया और बोल रहा है कि डंकी अच्छी नहीं चल रही है इसलिए शो मैं नहीं कर रहा है। मतलब कितने झूठ बोल रहे हैं यार। नॉर्थ का ही बंदा है थिएटर ओनर, थिएटर ओनर नॉर्थ का ही है, आप समझ सकते हो। मनोज देसाई भाई क्या गेम खेली इसने बंदे ने भाई। जब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर मारने की हमारी मूवी लगाओ, ठीक है, क्लैश का वक्त चल रहा है, क्लैश था और नॉर्थ की बात थी, ठीक है, आप ये तो दिमाग लगाओ कि डंकी को साउथ में स्क्रीन मिले नहीं मिले। तो ये तो बंदे को सोचना चाहिए कि भाई शाहरुख खान की मूवी ने पूरे 2023 में सबसे ज़्यादा कमाई कराई है, ठीक है, मगर अब क्लैश के बीच में अगर हम उसको स्क्रीन नहीं देंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, तो भाई ये गलत है। मगर बंदे ने पैसे के चक्कर में डंकी को नहीं लगाया। अब बात कर रहा है कि डंकी के डिस्ट्रीब्यूटर ने परेशान किया, ये किया, KTM नहीं दिया। मतलब KTM क्यों देंगे आपको जब आपको पता ही नहीं है कि भाई हमें कौन सी मूवी लगानी है। जब वो बोल रहे हैं कि भाई हमें डंकी के शो ज़्यादा चाहिए मगर तुम नहीं मान रहे हो, तो वो कैसे करेंगे। वो भी अपनी जगह ठीक है मगर ये बंदा अभी आके बोला डंकी अच्छी नहीं चल रही, वो पब्लिक नहीं देख रही। मतलब कितना झूठ बंदा है यार। मतलब एकदम से मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन था कि भाई ये अच्छे रिएक्शन देता था, मगर यार इसने एकदम से पूरा हिला के रख दिया। तो ये Day 8 में डंकी का कलेक्शन आ चुका है 323 करोड़ और अभी तक कोई पोस्टर लॉन्च नहीं हुआ है सलार की मेकर्स की तरफ से। मगर ट्रेड की माने तो 470 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो चुका है और वैसे हम अपनी तरफ से माने तो 518 के बीच में ये मूवी पहुंच चुकी है अपने Day 7 तक। तो आज कितना कमाने वाली है डंकी, जी हाँ दोस्तों, अर्ली एस्टिमेट आ रहा है आज भी 9 से 9.5 करोड़ कमाने वाली है। आप ये देखो आज बुक माई शो पे टिकट, एक टाइम तो ऐसा आया कि डंकी के टिकट ज़्यादा हो गए थे और सलार के एकदम नीचे, और अभी भी 12,000 डंकी के चल रहे हैं और सलार के 13,000 समथिंग हैं। तो भाई ये मूवी और भी तबाही लेके आएगी, अभी तो लोगों ने देखना चालू किया है। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताना और किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।